हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट वर्ल्ड न्यूज इन हिंदी। भारत के इस लड़के ने खोज निकाला नया देश और बन गया वहां का राजा। सूडान और मिस्र के बीच एक नया देश बना है, किंगडम ऑफ दीक्षित। एक भारतीय युवक ने खुद को इस इलाके का राजा घोषित करते हुए यहां अपना झंडा फहराया है। अब वह चाहता है कि यूएन इस इलाके को मान्यता दे। उसने लोगों से इस देश में नागरिकता के लिए आवेदन करने को कहा है। इंदौर का एक युवक है सुयश दीक्षित, जिसने खुद को किंगडम ऑफ दीक्षित का शासक घोषित किया है। वह तब से चर्चाओं में है जब से उसने फेसबुक पर किंगडम ऑफ दीक्षित के दावों के साथ अपनी तस्वीरें डाली। ये सूडान और मिस्र के बीच मौजूद छोटा सा इलाके है, जिसे बीर ताविल के नाम से जाना जाता है। ये बहुत छोटा सा इलाका है जो मिस्र और सूडान की दक्षिणी सीमा को छूता है। वर्ष 1902 में अंग्रेजों ने जब इस इलाके की सीमा बंदी की तो ये गैर दावाग्रस्त इलाका बनकर रह गया। मिस्र को लगता है कि ये सूडान का क्षेत्र है, जबकि सूडान इसे मिस्र की सीमा में मानता है। अब तक किसी ने इस पर दावा नहीं किया था। हालांकि ये रेगिस्तानी इलाका है जो लाल सागर के करीब है। माना जाता है कि यहाँ तेल हो सकता है। यहाँ तक पहुँचने की कहानी। सुयश कैसे यहाँ पहुँचे और खुद को यहाँ का राजा घोषित किया, इसकी कहानी उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिखी है। बकौल उनके, मैंने इस रेगिस्तानी इलाके में पहुँचने के लिए 319 किलोमीटर की ऐसी यात्रा की जिसमें ज्यादातर हिस्से में सड़क भी नहीं थी। ये 800 वर्ग मील का एरिया किसी देश का नहीं है। ये ऐसा इलाका है जहां लोग आराम से रह सकते हैं। इस इलाके पर दावा करने के लिए मैंने पेड़ उगाने के लिए बीज लगाया और उस पर पानी डाला। इस तरह से अब मैं दावा कर सकता हूं कि ये जगह मेरी है। नागरिकता के लिए वेबसाइट बनाई। फेसबुक पर उन्होंने बताया कि किस तरह कई दिनों की यात्रा के बाद वे यहां तक पहुंच पाए। उन्होंने बताया, यहाँ चारों तरफ रेत और पहाड़ियाँ हैं। हालांकि लोग यहाँ जाने की इजाजत नहीं देते, क्योंकि यहाँ जान का खतरा रहता है। मैंने यहाँ दो जगह अपना झंडा फहराया। एक झंडा अपने देश की राजधानी में फहराया और दूसरा अपने देश की सीमा पर। हम चाहते हैं कि लोग यहाँ निवेश करें और यहाँ की नागरिकता लें। इसके लिए उन्होंने किंगडम ऑफ दीक्षित .gov.bst वेबसाइट पर आवेदन करने के लिए कहा है। पिता को राष्ट्रपिता बनाया। उन्होंने कहा कि इस देश में तमाम पद खाली हैं, जिस पर लोग आवेदन कर सकते हैं, जिसे स्वीकार करने के लिए वह विचार करेंगे। सुयश ने अपने पिता को किंगडम ऑफ दीक्षित का राष्ट्रपति बनाकर उन्हें बर्थडे गिफ्ट देने की भी बात कही है। पहले से कई दावेदार। दीक्षित ने खुद को यहाँ का राजा बेशक घोषित कर दिया हो और उनका इरादा इसे यूएन में मान्यता दिलाने का है, लेकिन इस पर पहले भी कई लोग दावा ठोक चुके हैं। वर्ष 2014 में जेरमी हीटन ने इसको अपना बताया था और इसका झंडा फहराया था। तब उनका कहना था कि इस इलाके की असल शहजादी उनकी बेटी है।